सहरसा के कोसी रेंज के डीआईजी के पोस्ट की कमान प्रणव कुमार प्रवीण ने संभाली है। सहरसा में प्रवीण के गेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रवण कुमार प्रवीण ने जनता से पहली प्राथमिकता के बारे में जानकारी दी। प्रवीण ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कोसी में क्राइम कंट्रोल और लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अपराध पर नकेल कसना है और पुलिस अधिकारियों को काबू करने में कोई कसर नहीं रहेगी। उन्होंने शराब का गैर कानूनी कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का संकेत दिया है। पुलिस की प्राथमिकता क्राइम कंट्रोल एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस यही है। बाकी कुछ सरकार की प्राथमिकताएं हैं, वो जरूर साथ में और वो सबसे पहले आती हैं, और सरकार का भी ध्यान मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर पर ही है। लॉ एंड ऑर्डर और मद्य निषेध, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोगों का सब्जेक्ट है जिस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल, समाज में अमन चैन और शराबबंदी का पूरी तरह से एग्जीक्यूशन, ये हमारी प्राथमिकता। वहीं सहरसा में लंबे अरसे से भू माफियाओं की हरकतों की वजह से जमीनी विवाद और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। प्रणव कुमार ने कहा कि जल्द ही भू माफिया पर नकेल कसा जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारियों की बैठक में समस्या का हल निकाला जाएगा, इसको स्टडी किया जाएगा और इसमें पुलिस का जो रोल होगा इसे कंट्रोल करने में, डेफिनेटली तीनों एसपी से मिलकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि यहाँ के जो भू के मालिक हैं सर, उन लोगों का तो साफ कहना है कि हम लोग तो थाना में भी अगर आवेदन लेके जाते हैं तो आवेदन लेके 10 दिन दौड़ना पड़ता है। इस बीच में पता चलता है कि अगला जो है जोर जबरदस्ती उस पर जो बना लिया, तो ये भ्रम जो है जनता के बीच, जो भ्रम है भू मालिकों के बीच भ्रम है, इसको कैसे खत्म करेंगे सर? इसे दूर किया जाएगा, पुलिस का जो पार्ट है वो पार्ट पुलिस को करना पड़ेगा। कोसी की आम जनता को डीआईजी प्रवण कुमार प्रवीण से काफी उम्मीद है। अब ये वक्त ही बताएगा कि नए डीआईजी साहब क्या लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट।